रिसेंटली होने वाले 5वें हम स्टाइल अवार्ड ने सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी की शक्ल अख्तियार कर ली है। दरअसल इस अवार्ड शो के रेड कारपेट पर काफ़ी एक्ट्रेस काफ़ी बोल्ड और बेहुदा लिबास पहने नज़र आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एक्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और चंद एक्टर्स ने भी इस अवार्ड को तनकीद का निशाना बनाया। तो आज हम अपने नाज़रीन को यही बताने की कोशिश करेंगे कि किस एक्ट्रेस ने बेहुदा लिबास पहना और किस ने अच्छा लिबास पहना हुआ था। अगर हम सबसे पहले बात करें अदाकारा अलीज़े शाह की, तो वो इंतहाई बोल्ड किस्म की छोटी सी फ़िराक पहनकर अवार्ड शो में आई। इनके अलावा आयशा उमर, उर्वा हुसैन, माया अली और कई दीगर एक्ट्रेस ने काफ़ी बोल्ड कपड़े पहने हुए थे। अलीज़े शाह ने जो फ़िराक पहनी हुई थी उसमें इंतहाई अनकम्फर्ट फील कर रही थी, क्योंकि वो बार बार इस फ़िराक को ऊपर खींच रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनके फैशन डिज़ाइनर ने ज़बरदस्ती उन्हें ये फ़िराक पहना दी है। इसके बाद हम उर्वा हुसैन की बात करें, तो उर्वा हुसैन ने अवार्ड शो में जो ड्रेस पहना था उसमें ये अपने आप को जलपरी बनाने की कोशिश कर रही थी, गो कि इसने इस ड्रेस को अच्छे से संभाला हुआ था, मगर ये ड्रेस उनकी शख्सियत की बिल्कुल अकासी नहीं कर रहा था। इसके बाद अदाकारा आयशा की बात करें, तो आयशा उमर ने जो ड्रेस पहना था उसके दो हिस्से थे। फ़ोटोशूट के दौरान उन्होंने वाइट कलर की जाली को नहीं लगाया था, मगर अवार्ड शो में जाने से पहले उन्होंने इस जाली को लगा लिया। इसके बाद हम बात करें अदाकारा माया अली की। माया अली ने इस अवार्ड शो में जो ड्रेस पहना था उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसका एक बाजू काट दिया गया है। इसी तरह सोनिया हुसैन और मिशाल खान के ड्रेस को भी लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन अदाकाराओं के साथ साथ वो अदाकाराएं भी थीं जो इंतहाई अच्छा ड्रेस पहन कर आईं। इस अवार्ड शो में नज़र आने वाली डिसेंट सेलिब्रिटी जोड़े की बात करें, तो पहले नंबर पर नाम अहमद अली भट्ट की बीवी फातिमा खान का है। फातिमा खान इस शो में काफ़ी डिसेंट ड्रेस में नज़र आईं। दूसरे नंबर पर हमें मोमल शेख नज़र आती हैं। इस शो में मोमल शेख का ड्रेस काफ़ी मॉडर्न था, मगर वो मॉडर्न ड्रेस के साथ साथ एक डिसेंट ड्रेस भी था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसके अलावा एमन खान और सारा खान इस शो में नज़र नहीं आई, मगर शोबिज में वो डिसेंट ड्रेस पहनने वाली एक्ट्रेस हैं। इस अवार्ड की पिक्चर और वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस शो को तनकीद का निशाना बनाया। अदाकारा इफ़त उमर ने अली ज़फ़र को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैं ऐसे अवार्ड में जाना पसंद नहीं करती जिसे एक हैरास करने वाले शख्स ने होस्ट किया हो। नाज़रीन, ये सब पिक्चर और वीडियोस देखने के बाद अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार करें।